Hi guys, hope you're having a good time. I'm Idris और आज मैं एक Tamron का बड़ा interesting lens है, Tamron 85 f1.8 di VC USD. बहुत मेरी बड़ी favorite focal length है और मैंने कुछ images इस पर shoot की हैं पिछले कुछ दिनों में, वो मैं यहाँ पे share कर रहा हूँ आपके साथ में और थोड़ा सा lens के बारे में बात करता हूँ. पहली इमेज सौरभ की जो कि हैंडहेल्ड मैंने शूट की और क्योंकि वाइब्रेशन कॉम्पोजिशन है VC है तो ये एक बड़ा एडवांटेज है कि हैंडहेल्ड काफ़ी लो स्पीड्स में भी शूट कर सकते हैं. तो उसके अलावा एक और अच्छी बात मुझे ये लगी क्योंकि ये 1.8 है तो लो लाइट कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करता है और ख़ासकर मेरी ये फोकल लेंथ जैसे मैंने कहा मेरी बड़ी पसंदीदा है क्योंकि जो एक पोर्ट्रेचर की खासियत ये है कि जो ह्यूमन जो फेस है उसके प्रपोर्शंस जैसे हैं अगर वैसे ही मैच अगर तस्वीरों पे हो पाए तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट कहूँगा मैं वो है. और वो 85 ऐसी फोकल लेंथ है कि जहाँ पे वो काफ़ी हद तक बहुत नेचुरल फील देता है तो ये मेरे को बहुत पसंद है. यहाँ भी आप देखें दीवानियों की पिक्चर अगर तो दिव्या इसमें बहुत एक नेचुरल जो उसके फेस के प्रपोर्शन है वो काफ़ी हद तक वो मैच हो रहे हैं. प्लस शार्पनेस अगर आप हैंडहेल्ड है शॉट और खुला अपर्चर है उसके बावजूद भी बहुत शार्पनेस है पिक्चर में. और जो बुके है इसकी इंटरेस्टिंग वजह ये भी है क्योंकि ये 9mm अपर्चर यूज़ करता है इस लेंस में जो यूज़ हुआ है उसकी वजह से बुके बहुत इंटरेस्टिंग बनता है जो कि मुझे लगता है कि वेडिंग फोटोग्राफी में या पोर्ट्रेचर में या अगर आप एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट शूट करते हैं या लाइफस्टाइल इवन डॉक्यूमेंट्री अगर आप शूट करते हैं तो बहुत हैंडी है ये सिस्टम. तो ये एक और पिक्चर ये देखिए मैंने काफ़ी अगर आप इसमें देखें तो एक अगेंस्ट लाइट इमेज है मगर बहुत अच्छे से कैमरा ने उसको फोकस किया और बहुत जो टोन जो मुझे मिली वो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इस लेंस की मुझे लगता है कि ये एक खासियत है कि इस तरह से ये काम करता है. और एज आई सेड बुके कितना इंटरेस्टिंग और बड़ा नेचुरल लुकिंग बुके भी बन रहा है. और यहाँ पे ये इमेज देखिए ये हमारी टीम हम शूट कर रहे थे उसके बीच में से कुछ तस्वीरें मैंने ली वहाँ पर. और तो यहाँ पे शार्पनेस जो है ओवरऑल क्योंकि पोर्ट्रेट में ख़ासकर जब ज्वेलरी के साथ में आप कर रहे हो तो यू नीड दैट इवननेस एक एक ओवरऑल अगर शार्पनेस होती है तो मज़ा आता है इमेज देखने में. और इतने करीब की चीज़ें भी बिकॉज ऑफ वाइड अपर्चर वो भी आप उसको थोड़ा आउट ऑफ फोकस कर सकते हैं और फोकस आपका मेन सब्जेक्ट पर रहता है. और इसके बाद मैं बात करूँगा इस इमेज की मेरी बड़ी फेवरेट इमेज है और अगर आप देखें तो क्योंकि एंगुलर साइड लाइट मैंने यूज़ की है तो बहुत साइड से एक वो आ रहा है और बड़ा एक अगर आप देखें तो फोकसिंग का जो एक जोन है वो बड़ा लिमिटेड होता है इस तरह की पिक्चर्स में क्योंकि सिगार धुआँ और साइड लाइट जो फेस की बन रही है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है. तो आप ऐसा लेंस चूज़ करते हैं कि जहाँ पर कि इवन वाइड अपर्चर में भी आपके पास जो एक जोन ऑफ शार्पनेस है वो बनी रहे और इंटैक्ट हो, मतलब एक ओवरऑल पिक्चर में जो शार्पनेस वो दिखे. और इस लेंस में है और ये देखिए मैं इसका जूम करके आपको एक वर्जन ये मैंने क्रिएट किया है, देखिए कितना शार्प है और हाइलाइट्स में भी डिटेल है यहाँ पे आप देखिए. और इसी का एक और आई हैव जूम्ड इन मोर जस्ट टू मेक इट अ पॉइंट कि ये फोकसिंग कितनी ज़बरदस्त है प्लस जो कॉन्ट्रास्ट है जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुई है. तो वो बात कर सकते हैं. और क्योंकि मैं साथ में वीडियो भी बना रहा था तो मुझे USD का बहुत फ़ायदा हुआ, अल्ट्रासोनिक साइलेंट ड्राइव टैमरॉन इसको बोलते हैं. तो एक तो उससे प्रिसाइज और क्विक फोकसिंग में मुझे बहुत हेल्प हुआ. ये मैंने एक और इसको इतना जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो देखिए एक नॉर्मल पोर्ट्रेचर से और यहाँ इतना जूम करके हम देखें तो डिटेल हाइलाइट्स में भी है और शेडो एरियाज में भी परफेक्ट डिटेल्स है. उसके अलावा जैसे मैं फोकसिंग की बात कर रहा था तो ये एक और सैम्पल इमेज है, ये मैंने अभी हाल फिलहाल कल ही में इनफैक्ट शूट की है. तो देखिए ये एक व्हील के थ्रू शूट किया है, यहाँ पर एक पर्दा जैसा एक है और उसके थ्रू शूट किया है लेकिन फोकसिंग इतनी शार्प है कि देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तो उसके थ्रू भी और डिटेल दोनों जगह है, ये एक अच्छी बात है. तो वो जो एक टेक्सचर है कपड़े का वो भी मेंटेन्ड है और जो जहाँ फोकसिंग लेंस ने की है आइज़ क्योंकि मैंने वहाँ पे फोकस किया तो वो भी परफेक्ट है. और इसका एक देखिए सुपर जूम्ड वर्जन आई वुड लाइक टू से इट, ये देखिए कितना क्रिस्प है. तो यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ द गारमेंट एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट आइज़ आर परफेक्टली इन फोकस. सो इट्स फैंटास्टिक.
एक और आखिरी इमेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर इसी दिन के शूट की है, आउटडोर लाइट में मैंने शूट किया इसको। तो देखिए जो जो यू नो पीछे से लाइट आ रही है उसकी जो हाईलाइट बन रही है वहाँ भी एक यू नो बहुत नेचुरल लुकिंग हाईलाइट्स है। तो ये खासियत होती है लेंस की कि वो इस तरह से बैलेंस करे यू नो जो आपकी जो एक यू नो जो टोन जो वेरिएशन है उसको इतने अच्छे से दिखाए कि वो नेचुरल लगे। तो इस तरह की चीज़ें इस लेंस में है, और क्योंकि ये एज ए सेड ये वीसी लेंस है तो स्टेबलाइजेशन कमाल की है, आप हैंड हेल्ड आराम से शूट कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट पे पोर्ट्रेट शूट करते हुए वो फ्रीडम आपको चाहिए, वो लिबर्टी आप लेना चाहते हैं कि आप मूव करते रहे शूट करते रहे। और आपकी दो चीज़ें कॉम्बिनेशन, मैंने कहा कि आपका एक तो स्टेबलाइजेशन है और दूसरा फोकसिंग पे आप पूरी तरह रिलाय कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बेहतरीन लेंस के साथ में, और ये एक ऐसी फोकल लेंथ है यू नो 85 mm, और खासकर टैमरॉन का जो पर्टिकुलर लेंस है 85 mm 1.8, यू नो कंसिडरिंग द बजट और द क्वालिटी, मुझे लगता है कि एक हर प्रोफेशनल फोटोग्राफर के आर्सेनल में उसके कलेक्शन में होना चाहिए, और यू नो एक वाइड रेंज में इसको यूज़ किया जा सकता है, एज आई सेड अर्लियर की पोर्ट्रेट से लेके और लाइफस्टाइल फैशन डॉक्यूमेंट्री, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत एक यू नो पावरफुल फोकल लेंथ है, और मुझे मेरा तो पहले भी मैं कह चुका हूँ मेरा फेवरेट लेंथ है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में। और मैं बहुत जल्दी आपके साथ में एक डिटेल्ड यू नो टेक्निकल रिव्यू, ये तो इमेजेस के साथ में मैंने किया था, मैं एक डिटेल्ड टेक्निकल रिव्यू के साथ में वापस आता हूँ और फिर आपके साथ और डिटेल शेयर करता हूँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।